अतीक के लाडले की हो रही चर्चा, पूछ रहा हर कोई गुड्डू मुस्लिम कौन है। माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से गुड्डू कनेक्शन, उमेश पाल हत्याकांड में क्यों लिया जा रहा नाम। गुड्डू मुस्लिम की क्राइम कुंडली, सीएम योगी के रडार पर अतीक की मंडली। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की चर्चा न सिर्फ यूपी बल्कि समूचे देश में हो रही है। प्रयागराज में दहशत का माहौल है। अब से 18 साल पहले सपा सरकार में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी, तब भी प्रयागराज में कुछ ऐसा ही माहौल था। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। हत्याकांड का आरोप पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके परिजनों करीबियों पर है। उमेश पाल हत्याकांड में सीसीटीवी में एक शख्स दिखा जिसकी चर्चा होने लगी है। उस शख्स का नाम गुड्डू मुस्लिम है। गुड्डू मुस्लिम का नाम सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग में है। सोशल मीडिया पर हत्याकांड से जुड़े तमाम हैशटैग के साथ गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया जा रहा है। वो बाहुबली अतीक अहमद का बेहद करीबी है। करीब 15 सालों से उसका अतीक से रिश्ता है। 15 साल से अतीक के लिए लगातार काम करता आ रहा है। आरोप है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही उमेश पाल हत्याकांड के दौरान बम से हमला किया। उमेश पाल मामले में दर्ज FIR में भी उसका नाम प्रमुखता से शामिल है। गुड्डू मुस्लिम के साथ कुछ और लोग मामले में शामिल रहे। वैसे पहला मौका नहीं है जब गुड्डू मुस्लिम को अपराध के लिए इस्तेमाल में लाया गया हो। इससे पहले भी वो कथित रूप से कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। गुड्डू मुस्लिम पर तमाम मामले पहले से दर्ज हैं। गुड्डू मुस्लिम के संबंध बिहार और पूर्वांचल के कई कुख्यात अपराधियों और बाहुबलियों से बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि पूर्वांचल के एक बाहुबली पूर्व सांसद और अयोध्या के बाहुबली विधायक से भी गुड्डू का संबंध रहा है। बताया जाता है कि बाहुबली नेता लखनऊ में रेलवे और मोबाइल टावर के टेंडर कराने के लिए गुड्डू मुस्लिम की मदद लेते थे। गुड्डू का इस्तेमाल रेलवे में दबदबा रखने वाले MLC रहे अजीत सिंह से मोर्चा लेने के लिए भी किया जाता था। आरोप ये भी है कि विधायक लखनऊ में OCR बिल्डिंग में कई साल तक रहने के दौरान भी गुड्डू मुस्लिम का इस्तेमाल करता था। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि गुड्डू रियल एस्टेट कारोबारी और कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु गोरखपुर के माफिया का भी करीबी है। ये भी कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु ने ही बिहार के माफिया उदय भान से कराई थी। गोरखपुर पुलिस ने 15 साल पहले पटना जेल के बाहर से गुड्डू को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि इसके बाद अतीक अहमद ने ही गुड्डू मुस्लिम की जमानत कराई थी। जेल से बाहर आने के बाद से वो अतीक के लिए काम कर रहा था। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के बाद परिजनों ने गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है। गुड्डू मुस्लिम सालों पहले ही जरायम की दुनिया में कदम रख चुका था। बसपा सरकार के दौरान इंजीनियर हत्याकांड में भी गुड्डू मुस्लिम वांछित है।